तो दोस्तों ये फैन है, ठीक है, कार में वैन में यूज कराया जाता है और 1.5 एम्पियर लगभग लेता है, करंट चलाते हैं, ठीक है। और काफी अच्छे से इसकी जो है, ये देख सकते हैं आप, जिसकी एयर है वाइंड है, काफी अच्छे से आती है। ओके, तो फाइनली दोस्तों देखिए ये साइज की मोटर है, ठीक है दोस्तों, ओपन करके देखेंगे। दोस्तों वेलकम यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि विनर का ये फैन आता है, ठीक है, कार के लिए, ट्रक के लिए, वैन के लिए, उस समय व्हीकल में लगा लेते हैं हम, तो गर्मियों में काफी इससे हमें राहत मिलती है। ये 12 वोल्ट का फैन है, ठीक है, 14 वोल्ट तक डीसी तक ये काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस फैन की दो खूबी होती है, एक तो दोस्तों ये काफी हाई स्पीड से चलता है, काफी अच्छी हवा देता है, दूसरी बात की अगर हम इसे माउंट कर देते हैं कहीं तो ये अपने आप, इसमें स्विंग का फीचर है, स्विंग का मतलब लेफ्ट राइट करने का। देखिए ये बटन को आप नीचे कर, इस समय नॉर्मल रहेगा, जैसे नीचे कर देंगे तो ये इसको लेफ्ट राइट स्विंग करवाता है, इस तरीके से अपने आप घूमता है एक्सिस पर, जैसे कि मैं समझाता हूँ आपको, स्विंग बेसिकली सबको पता है इस तरीके से, ठीक है, अपने आप जो है मूवमेंट। अब देख और देखिए इसके अंदर जो पीछे डिटेल्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि 12 वोल्ट, देखिए डीसी 12 वोल्ट, और जूम कर लेते हैं हल्का सा जिससे सही दिखाई दे हमें। कार फैन 1.2 एम्प्स, मेड इन ताइवान आरोस, ठीक है, इस तरीके से लिखा है, और 6 इंच यानी 6 इंच वाला ये साइज है इसका, ठीक है, इस तरीके से 1.2 एम्प्स। अब देखते हैं कि क्या ये इतने ज्यादा इसके अंदर जो वाइंडिंग्स हैं क्या थिक है, या क्या इसके अंदर वाइंडिंग्स काफी स्मॉल और यानी पतली वाली हैं, ज्यादा गेज की हैं, सब कुछ चेक करेंगे इस वीडियो में। इसको ओपन करके देखते हैं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों करें ओपन, तो इसको ओपन देखते हैं कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, सबसे पहले हमें इसे ओपन करना होगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से निकल जाएगा, काफी मेहनत के बाद निकल जाएगा, आखिरकार निकल ही जाता है, ठीक है। और चलिए अब ओपन करके देखने वाले हैं इसको, या चलिए इसका बैक पैनल ओपन करके देखते हैं सबसे पहले। ओके, तो बैक पैनल में इस तरीके से हमें स्विंग का दिखता है, जो ये लेफ्ट राइट का फीचर है इसका, इसको मूव कराता है वो, देखिए इस तरीके से। मैं फ्लैश लाइट के, फ्लैश लाइट ऑन करते हैं, देखिए ये राज की, देखिए ये आर्म बनी हुई है, इस आर्म की हेल्प से ही ये देखिए लेफ्ट राइट करता था, ठीक है, और यहीं से ये निकली हुई है। तो ओपन कर दी हमने इसको इस तरीके से, ये बना हुआ था कुछ यहाँ पर, इजिली निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आइए अब मोटर थोड़ा हार्ड घूम रही है, चलिए ओपन करते हैं इसको, और ओके, तो फाइनली दोस्तों देखिए ये साइज की मोटर है, ये साइज की मोटर है हमारे पास, ये है, और इसकी वाइंडिंग्स देखिए हाँ थोड़ी सी दिख रही हैं हमें, तो फ्लैश लाइट में दिखाता हूँ आप लोग को भी, ये देखिए, तो ज़्यादा थिक तो नहीं है लेकिन ठीक है, इतना है कि दोस्तों अगर दोस्तों वाइंडिंग थिक हो जाएंगी तो फिर ज़्यादा एम्पियर लेने लगेगी, ठीक है ना, तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए थोड़ा इसी हिसाब से बाइंडिंग करी है इस वायर की, ठीक है ना, ये बैलेंस रहे इसका करंट, तो एक ठीक है, दो मैक्सिमम लोड पे 2 एम्पियर जाएगी, उसके बाद ये नीचे ही आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। 12 वोल्ट की सप्लाई है, 12 वोल्ट की सप्लाई, और सप्लाई को देते हैं, तो देखिए ठीक है दोस्तों, तो आरपीएम तो इस मोटर के अच्छे हैं, साउंड भी सुन पा रहे होंगे आप, मैं आपके सामने वह कनेक्ट करता हूं, देखिए देखिए, तो सप्लाई भी दिखा रही है इसे 1 एम्पियर से कम ही ले रहा है, अभी शाफ्ट लगने पे 1.5 एम्पियर चला जाएगा ये, तो मुझे तो सही लग रहा है इसका जो, ठीक है ये देखिए, अगर ठीक वाइंडिंग से कर देते तो ये रुक भी नहीं पाती, जैसा मैं भी रोक पा रहा हूँ, उसे होल्ड कर पा रहा हूँ अपने हाथ से, होल्ड भी नहीं होती। आरपीएम ठीक है, बैलेंस है, और बुश लगे हैं, सब कुछ सही कंडीशन में है, देखें चला करके इसको, इधर से चलेगा, तो ये देखिए
ये आर्म चलती है इस तरीके से, ये इससे कनेक्ट हो गया। इसका मतलब इसमें आउटपुट में निकली हुई है शाफ्ट और इधर भी निकली हुई है, ठीक है। देखिए ऑफ कर दी, ऑन करते हैं वापस से, ये देखिए आ गई यहाँ पे आउटपुट आ गई। अब ये होल्ड करने से भी नहीं रुक रही दोस्तों, काफी अच्छे से ये काफी अच्छे से मैंने ग्रैब कर रखा है और देखिए ये होल्ड नहीं होगी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, काफी अच्छे से ग्रैब कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं रुक रही इनफैक्ट, ठीक है। तो ये काफी ठीक है, मोटर जो है काफी अच्छे से प्रीमियम तरीके से बनाई गई है और अच्छा लगा हमें इस मोटर की कॉन्फ़िगरेशन जान करके। तो इसको इस तरीके से वीडियो दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए दोस्तों, और जब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। फैन भी इस पर लगा सकते हैं फिर ये इस तरीके से, अब देखते हैं चलिए। तो दोस्तों यकीन मानिए काफ़ी ज़्यादा ये हमें काफ़ी ज़्यादा जो है आउटपुट में हमें ये हवा दे पा रहा है, ठीक है। काफ़ी अच्छे से इसकी हवा आ रही है आउटपुट में और ठीक है, तो फैन लगने के बाद दिखाएं हम अगर हम करंट को देखें तो 2.28 दिखा रहा है, ये कम ही होगा थोड़ा इससे, ठीक है, इस तरीके से है। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है।